Hello, good morning. Myself, Dr. Uday Pratap Singh. I am going to deliver a lecture on contract. And in LLB, 3 years first semester, as well as in LLB BA, LLB first semester, the syllabus is same. I will teach this subject in LLB as well as in BA LLB first semester. As we know that if people are having admission in LLB as well as in BA LLB of CBC Law College, and if people are new having the admission in LLB, मैं कौन से विषय पढ़ाऊंगा, आज मैं उस विषय के बारे में बात करूंगा। लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, आप सभी लोग नए हैं इसीलिए लॉ को कैसे पढ़ा जाता है उस विधा को भी बताऊंगा, उस टेक्निक को भी बताऊंगा मैं। और एलएलबी करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रुचिकर, आप लोग नए हैं इसीलिए मैं यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि व्हाट शैल बी द फ्यूचर ऑफ एलएलबी, व्हेन यू विल कंप्लीट एलएलबी, व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स यू विल गेट इन फ्यूचर, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज यू आर ए न्यू कमर, एज यू आर ए न्यू स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई लॉ कॉलेज, इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज एज अ टीचर आई मस्ट से अबाउट द फ्यूचर ऑफ लॉ। And the very important and very, we can say, the small thing you also know, how you will write LLB. I have seen many students, they have passed out LLB, they have passed out BLLB course, but when they are going to write LLB, they are not write very properly LLB. That's why all these things today I will discuss one by one. Today the topic, today the subject what I will teach, the name of that subject is Indian Contract Act, Bharatiya Samvidha Adhiniyam, basically इसको हम संविधान विधि भी कहते हैं। और यह संविधान विधि विशेष तौर से एक अधिनियम से गवर्न होता है, उस अधिनियम का नाम है भारतीय संविधान अधिनियम 1872। संविधान, आप लोगों को यह विषय, यह टर्म एकदम नया लग रहा होगा, लेकिन मैं यह आश्वस्त करना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को कि यह सब संविधान नया है, लेकिन आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में यह संविधान हमेशा आप लोग करते हैं। संविधान का सरल शब्द है करार, उससे भी सरल शब्द है समझौता। जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाते हो, बहुत सरल, बहुत सीधा उदाहरण, व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज ए लैंड, क्या करते हो आप, करार करते हो दो पक्षों के बीच, जैसे ए और बी के बीच करार होता है। ए कहता है कि मेरी एक जमीन है, वो जमीन एक्स जमीन है, और वह जमीन मैं आपको 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें सहमति दीजिए। तो सामने वाला पक्ष जो है, सामने वाला पक्ष का जो है बी जो है, वह उस पर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो अपनी एक सहमति प्रदान करता है। ये जो प्रक्रियाएं हुई हैं, यही एक समझौता, यही एक करार है, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में हम इसी करार को समझा कहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक यदि आप कहीं जा रहे हैं, किसी बस का सफर कर रहे हैं तो भी आप समझौता कर रहे हैं, यदि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो भी समझौता कर रहे हैं, यदि आप कहीं पर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो भी आप समझौता कर रहे हैं। तो वी विल डिस्कस ऑन दिस इशू, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज संविधान। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टूडे द थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच एक्ट, बाय व्हिच एक्ट यू विल स्टडी द कॉन्ट्रैक्ट, किस अधिनियम के तहत आप संविधान को पढ़ेंगे, उस अधिनियम का नाम है भारतीय संविधान अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
जो दिया गया है आपके सिलेबस में धारा 1 से लेकर 56 तक हम चर्चा करेंगे। धारा 1 से लेकर 56 तक यह संविदा के सिद्धांत की बात करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी सेक्शन रिगार्डिंग द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम सेक्शन 1 to 76 यू विल गेट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट नाउ यू मे नॉट अंडरस्टैंड द थिंग क्लियरली बट आफ्टर हैविंग ऑफ 4 or 5 क्लासेस इजिली ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड द थिंग वेरी क्लियरली। अभी आप शायद समझ में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन मैं पूर्णता स्वस्थ हूं कि आप मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन 1-2 लेक्चर के बाद अच्छी तरह आप समझ जाएंगे कि संविदा है क्या और संविदा कैसे होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 से लेकर 76 तक LLB 3 ईयर कोर्स के लिए और BA LLB 5 ईयर कोर्स के लिए, इन दोनों कोर्स के लिए सिलेबस एक है, इसीलिए यह क्लास LLB प्लस BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए यूजफुल है। हाउ टू स्टडी लॉ, मैं जान रहा हूं कि आप तो विभिन्न स्ट्रीम से आए हैं, कोई BA करके आया है, कोई BSc करके आया है, कोई BCom करके आया है, कोई इंजीनियरिंग के कोर्स करके आए हैं, लेकिन वन थिंग इज वेरी क्लियर इन लॉ, द वे ऑफ स्टडी, द टेक्निक ऑफ स्टडी इन लॉ इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्ट्रीम। बीए में आप जैसे आप पढ़ के आ रहे हैं तो LLB में उस तरह आप नहीं पढ़ सकते। LLB में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LLB में पढ़ने के लिए आपको एक विशेष मैं बात बताना चाह रहा हूं कि आपको लॉ पढ़ने के लिए पहले आपको बेयर एक्ट करना पड़ेगा, बेयर एक्ट, BAR बेयर एक्ट, और दूसरा है उसी से रिलेटेड टेक्स्ट बुक TEXT टेक्स्ट मिलेंगे,
दीजिएगा, यदि लिखा हो जाएगा आप हमेशा ध्यान रखिएगा एल एल फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप, और बी एल भी जो लिखा जाएगा बी फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप एल एल फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने देखा बहुत बच्चों ने कि एल एल बी कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन जब एल एल बी लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। इट इज ऑल्सो वेरी शॉर्टिंग टू ऑल ऑफ अस एज ए टीचर आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू नॉट राइट प्रॉपरली हाउ टू राइट एल एल बी हाउ टू राइट बी एल बी इट इज ए बिग क्वेश्चन टू दैट स्टूडेंट एंड द फ्यूचर ऑफ लॉ व्हाट आई एम डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू फ्यूचर ऑफ लॉ। अगर आप लॉ के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं तो जैसा आप एल एल बी करते हैं तो आपको बता दें कि सबसे अच्छा जॉब एल एल बी के बाद उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश झारखंड मेरे कहने का अर्थ 29 प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं 29 प्रदेश में पीसीएस डे का एग्जाम होगा पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम होगा। उस एग्जाम में अगर कोई अपील होता है उस एग्जाम को अगर कोई दे सकता है तो एल एल बी पास आउट करके ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अगर उस एग्जाम में आप रिटर्न होता है इंटरव्यू होता है अगर आप रिटर्न और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो यू विल बिकम जज एंड यू नो द सैलरी ऑफ अ जज। जज की सैलरी इसमें 80,000 प्लस बंगला और प्लस सर्वे आपको मिलेगा। डू नो कैन यू इमेजिन कि कौन सा जॉब आपको मिल रहा है एल एल बी के बाद? फर्स्ट जुडिशरी का एग्जाम, दूसरा आपको एटीओ का एग्जाम होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जिसको हम यहां पर कहते हैं, कहीं कहीं पर एपीपी कहा जाता है कहीं कहीं पर एटीओ कहा जाता है, इसका भी एग्जाम आपको लगभग लगभग प्रदेशों में होगा। लोकसभा इसका एग्जाम करवाती है और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं पीसीएस डे में वही सब्जेक्ट्स आएंगे जो आप एल एल बी में पढ़े हैं नहीं पढ़ते हैं। बी एल बी 5 वर्षों में जो सब्जेक्ट आप पढ़े वही पीसीएस में आएंगे ठीक वही एपीओ में आएंगे। एपीओ में एक चीज और है कि सब्जेक्ट प्रोमिनेंट मेजर सब्जेक्ट्स है आपका आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस और कुछ माइनस सब्जेक्ट्स और रहेंगे लोकल लॉज रहेंगे उसको रिफरेंस करते हुए इसका एग्जाम होता है इसका रिटर्न इंटरव्यू होता है। अगर आप एपीओ का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 50,000 प्लस आपकी नौकरी स्टार्ट होती है आपका बंगला मिलता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस जॉब आफ्टर एल एल बी। थर्ड इंपॉर्टेंट जॉब आपके लिए क्या करता है लॉ ऑफिसर। आपको पता होगा कि ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं है इंडिया में आपको चाहे बता दें मिलिट्री नेवी आर्मी बैंक एयरफोर्स कंपनी फर्म इंडिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं इंडिया का ऐसा कोई फर्म नहीं है रेलवे नहीं है एलआईसी नहीं है जहां पर लॉ ऑफिसर नहीं आते होते। आपको बता दें कि विप्रो जैसी कंपनी का लॉ ऑफिसर 2-3 लाख रुपए में लगता है मींस स्काई इज द लिमिट। इफ यू शैल हैव अ वेरी गुड नॉलेज इन लॉ यू विल गेट वेरी गुड जॉब अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ जॉब। मींस व्हाट आई मीन टू से इज दैट from the very beginning of the course you have to very much serious you have to very much conscious about the subjects what the teachers they will teach and I hope so that CBC Law College is providing one of the best excellent faculty members by which you can flourish yourself you can enhance yourself and your future shall be in the bright moment when you pass out the LLB. What I mean to say third professor can you get that ऐसा कोई कंपनी फर्म रेलवे आर्मी नेवी ऐसा कोई कंपनी फर्म और नहीं है जहां पर लॉ ऑफिसर नहीं नियुक्त होते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए कभी कभी यह भी देखा गया है कि रिटेन और इंटरव्यू वहां होता है जो लड़के 60% से बिलो एलएलबी में पाते हैं जहां पर 60% से कम लड़के अगर पाए हैं एलएलबी में तो वह लड़के सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से सेलेक्ट हो जाते हैं एंड दे शैल एंजॉय देयर जॉब्स व्हेन दे विल सेलेक्ट इन अ कंपनी प्रोमिनेंट कंपनी प्रोमिनेंट फर्म रेलवे व्हाटएवर इट मे बी द सेक्टर बैंक। आपको ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पर लॉ ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि कानूनी केस होता है मुकदमे होते हैं उस मुकदमे का निस्तारण उस मुकदमे को कौन देखेगा? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे देखेंगे जो पास आउट रहेंगे नॉलेजेबल जो रहेंगे पढ़े लिखे रहेंगे। और आपको बता दें कि अगर फोर्थ वन एफ जे एस का जॉब बहुत अच्छा होता है जैसे आप एल एल बी कंप्लीट करते हैं 5 साल 7 साल 10
प्रोमिनेंट जगहों पर ये एग्जाम होता है। अगर इस एग्जाम को आप 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद अपीयर होते हैं, अपीयर करते हैं और क्वालिफाई करते हैं, तो डायरेक्टली यू शैल बी अपॉइंटेड एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे। डू यू नो द सैलरी ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की शुरुआत सैलरी इसमें 1,10,000 शुरुआत होती है, 1,10,000 रुपीज स्टार्टिंग है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एंड दैट वेरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कैन बिकम द हाई जज ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। कैन यू इमेजिन द फ्यूचर ऑफ लॉ? कैन यू इमेजिन द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज? नंबर फिफ्थ, एलएलबी। आफ्टर एलएलबी, एलएलबी इज ए ग्रेजुएट डिग्री, एलएलबी इज ए ग्रेजुएट डिग्री। आफ्टर एलएलबी यू कैन अपीयर इन एलएलएम, यू कैन अपीयर इन द एग्जाम ऑफ एलएलएम। एलएलएम इज मास्टर ऑफ लॉ। मास्टर ऑफ लॉ मीन्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट, वी कैन से द डिस्टिंग्विश्ड एज वेल एज स्पेसिफिक डिग्री इन द फील्ड ऑफ लॉ। एंड इफ यू विल कंप्लीट दिस डिग्री, you can be selected as a assistant professor, reader professor in any law college, in any university, in any law department, any law school. What I mean to say that if you want to become a teacher in law, better to come and appear in the exam of LLM. And if you complete this course LLM, if you will qualify like a PhD, you can be selected as an assistant professor in any law college, in any department, in any law department, in any law school, in all for the India. And the salary is 20,000 plus salary starting in assistant professor. And for professor salary, 2 lakh per month, there is the salary of professor. Number six job is you can do practice in Supreme Court. You can do practice in Supreme Court. Advocate on records exam, there shall be exam of advocate on records in Supreme Court. And if you qualify the exam, you shall be entitled to do practice in Supreme Court. Supreme Court practitioner is, we can say, the exceptional job in India. You can also do practice in High Court. You can also do practice in High Court, and the practitioner of High Court as well as in Supreme Court, they are very, they have a very glamorous life. They have a very bright future. Easily, practitioner of Supreme Court and practitioner of High Court can earn 1 lakh per month at the ECL practitioner, at the ECListic practitioner in High Court and Supreme Court. You can also do practice in district court, high court, supreme court, district court, and legal consultancy firm you can also open. These are the, we can say, the scopes, these are the futures of LLB, these are the, we can say, the bright future of LLB. Dear students, it is my suggestion before all of you that take this subject very seriously, study more and more. Knowledge is the light, and with the help of this knowledge, legal knowledge, you can flourish yourself, you can enhance yourself, you can make your future bright and glorious, and make the pride in the field of law. Thank you very much.